अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, या आप किसी कंपनी से जुड़ के एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस चला रहे हैं, किसी एफएमसीजी कंपनी की आपके पास फ्रेंचाइजी है या आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप अपनी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके कई सारे फॉर्मूले हैं जो कि मैं यहां अपने चैनल पर शेयर करता हूं। जेन्युइन फॉर्मूले हैं, मार्केट में जो चल रहा है वही चीज मैं आपको बताता हूं, जो मैं खुद से कर रहा हूं वही चीज मैं आपसे बताता हूं। यहां पर आपको क्या करना है, ये एक स्कीम बता रहा हूं, हमेशा ऐसी बताते रहता हूं, एक स्कीम, इसलिए कि इसको विस्तार से मैं बता सकता हूं। आपको क्या करना है कि आपके जितने भी रिटेलर्स आपसे जुड़ते हैं, उनसे लंबे समय का रिलेशन बनाने के लिए या कंटिन्यू आपसे जुड़े रहें, उसके लिए समय समय पर स्कीम चलानी होती है। अब आप स्कीम का नाम सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे कि भाई वैसे ही मुझे लॉस हो रहा है, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, इतना खर्चा हो रहा है, और स्कीम चलाऊंगा तो मेरे पैसे, यानी स्कीम मतलब मेरा पैसा और खर्च होगा, तो मुझे क्या बचत होगी? बिजनेस में हमेशा जो चीज आप लगाते हैं लंबे समय में वो आपको मिलता है, और स्टार्टिंग में आपको ज्यादा एनर्जी के साथ ज्यादा पैसा भी लगाना होता है, लेकिन आपको यहां पर ज्यादा पैसा लगाने जरूरत नहीं है। आप मार्केट में 10 ऐसे रिटेलर जो कि बहुत अच्छे हैं, आपकी नजरों में बहुत अच्छा धंधा करते हैं और आपके प्रोडक्ट को अच्छा बेचते हैं और बेच सकते हैं उस कैपेसिटी से ज्यादा, उनको पटाने के लिए आप कोई भी त्योहार जैसे आता है, जैसे होली, दिवाली, अधिकतर लोग दिवाली पर इस तरह के गिफ्ट चलाते हैं। तो मान लीजिए आपने चुन लिया कि दिवाली, आप उन्हें दिवाली पर 400-500 रुपए की कीमत का, जो कि मार्केट में आप जाते हैं खरीदने तो आपको 400-500 का मिलता है, लेकिन आपको बल्क में लेके आना है, होलसेल मार्केट से उसको लेके आना है, या आपने किसी दूसरे फ्रेंड्स जो कि खुद डिस्ट्रीब्यूटर है किसी प्लास्टिक कंपनी का, किसी का टिफिन हो गया, जैसे कैसरोल हो गया, रोटी रखने वाला, सब्जी रखने वाला कैसरोल हो गया, तो जो आप मार्केट में जाएंगे तो वही चीज आपको 500 रुपए की मिलेगी, तीन उसमें होंगे, एक बड़ा, छोटा, फिर मीडियम साइज, 500 रुपए की मिलेगी। वही चीज आपको मॉल में जाएंगे या किसी होलसेल मार्केट से लेके आएंगे तो 200-250 रुपए की मिलेगी। ऐसे आपको 10 लेने हैं, आपका कितना खर्चा हो गया, 10 जो आपने लिया आपका हो गया 2500 रुपए खर्च, ठीक है, 2500 रुपए में आपको 10 कैसरोल मिल गए, जिसके अंदर एक के अंदर तीन तीन है, तीन सेट है, बड़ा, मीडियम, छोटा। आपको उन 10 रिटेलर को जाके देना है, और साथ में आप आधी किलो मिठाई भी ले सकते हैं, आधी किलो मिठाई भी, या उसी में भर के दे दीजिए। आपका खर्चा हुआ साल में 2500 रुपये, और वो 10 जो बढ़िया पोटेंशियल रिटेलर हैं वो आपसे जुड़ गए, एक दिल से जुड़ गए कि ये डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा है। इसी तरह से ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करते रहेंगे कम पैसे में। मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट ऐसा चुनिए कि जो मार्केट में कोई जाए तो उसको कीमत पता हो कि ये 500 रुपए का है, लेकिन उसको आपको ढूंढ के लाना है 200-250 रुपए में, कोई भी ऐसी चीज, लेकिन वो काम की भी होनी चाहिए, लंबे समय तक काम आए। कैलेंडर छपवा सकते हैं, कैलेंडर आज भी चलता है, कैलेंडर अच्छा सा छपवा सकते हैं, उसमें धर्म विशेष का भी ध्यान रखना है, हर धर्म के हिसाब से कैलेंडर छपवा सकते हैं, उसमें अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है, कंपनी है, जो भी आपका बिजनेस है उसका नाम भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की छपाई है। कई लोग सोचते हैं सस्ते छपा, सस्ते तो उस दुकानदार को काफी सारे मिलेंगे तो आपका साइड में कर देगा, थोड़ा सा 10 रुपए की जगह 20 रुपए वाला, आप ये मान के चलिए मार्केट में कितने रुपए का ज्यादातर लोग देते हैं, 10 रुपए का आप 20 रुपए का करिए, और केवल 50 लोगों को दीजिए, 50 लोगों को, 50 पोटेंशियल कस्टमर को। ऐसी छोटी छोटी चीजों से ना रिटेलर जुड़ता है दिल से, करके देखिए आपको फायदा होगा।